किलोमीटर से आते हैं और यहाँ कोई नहीं पूछता है। 40 रुपए तो रोज आना जाना किराया हो जाता है। कम से कम सरकार तो हमारा 1500 रुपया का ही दे, मोदी सरकार 1500 रुपया हमको, हम लोग को भी दे विधवा। क्या है सर, वो घर का पैसा भी नहीं आया, राशन कार्ड भी नहीं बना, हमारा आईडी भी अलग नहीं हो रही है। वैक्सीन में कुछ मर जाएगा तो उसको लाभ देंगे, ये लाभ दिया है कि वो हानि कर दिए है, आज हम ये ढर्रे में आ गए हैं तो ये भोगते वक्त। पानी भी नहीं आ रहा सप्लाई वाला, बोल इटौरा बाईपास नहीं आता। पानी नहीं आ रहा, पाइप भर बिछी हुई है, पानी नहीं आता है, पानी के लिए हम लोग बहुत दूर दूर जाते। नमस्कार, मैं निशांत मिश्रा हूं और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। आज मैं चौरसिया धर्मकांटा में इनके महिलाओं के पास आया हूं, इनकी समस्याएं जानते हैं, क्या आखिरकार इनकी समस्याएं जो सरकार की तरफ से योजनाएं मिलती हैं वास्तविक रूप में उनका लाभ ये उठा पा रही है कि नहीं उठा पा रही है। क्या नाम है आपका? रितु साकी। कहाँ से आए? इटौरा बाईपास। अच्छा, तो सरकार से आप खुश हैं कि नहीं है? क्या है सर, वो घर का पैसा भी नहीं आया, राशन कार्ड भी नहीं बना, हमारा आईडी भी अलग नहीं हो रही है, परेशान होते हैं। सुबह से आप लोग यहाँ बैठी हैं, 11 बज गए, अब काम मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलता, रोज आते हैं रोज लटक जाते हैं, रोज चले जाते हैं। हम विधवा महिलाएं हैं, हमारी पेंशन भी सरकार नहीं बढ़ाते हैं। यहाँ कहेंगे लोग कि पैसा भी ना मिला, उसको कहते हैं विधवा खान कि उनको ना जोड़ना। हम लाडली बहना को 1000 मिलते हैं, हमको तो कुछ भी नहीं। लाडली बहना मिला है आपको? लाडली बहना हमको नहीं मिला है, ना पेंशन बढ़ाते, कम से कम 1500 रुपया तो हो जाए। 1000 मिलती है? नहीं, 600 रुपया मिलती है, बतावे हम रोज लौट जाते हैं सर, हम क्या खाएं, इतनी महंगाई सरकार करी है। तो बैठे हैं सुबह से, अभी तो चले जाओ घर में, चूल्हा कैसे के चलता जब हमारी कमाई नहीं है। अब काम नहीं मिलेगा, चली जाएंगे, अब चले जाएंगे रोज, उसके बाद कल फिर से आएंगे, फिर आएंगे। यह 3 दिन से हो गई यह धंधा है, बस अब कहाँ जाएंगे, किससे मुड़ फोड़ेंगे। शासन कहती थी कि जब पति जिसके वैक्सीन में मर जाएगा, किसमें जब वैक्सीन में कुछ मर जाएगा तो उसको लाभ देंगे, ये लाभ दिया है कि वो हानि कर दिए है, आज हम ये ढर्रे में आ गए हैं तो ये भोगते वक्त। आवास योजना है, ये सब कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं है। वही में कहते थे जब पैसा पड़ता था लाडली योजना, तो कहते थे कि तुम फार्म नहीं डालना, तुमको वही में जुड़ के पैसा आ जाएगा। फार्म डालने नहीं दिया आपको? हाँ, हमको नहीं डालने दिया। अब कहते हैं अब जब लाडली योजना में आना लगा है तो अब हमको 400 रुपया अभी जुड़ के नहीं आया। हमारे यहाँ के भी सेक्रेटरी यही बोलते हैं कि फार्म नहीं डालना, तुमको आ जाएगी, लेकिन आ जाएगा बिन फार्म के, क्या कहे वो सेक्रेटरी सरपंच यही बोलते हैं। क्या वो यंत्र से आता है जब उसमें लिखा पढ़ाई? सेक्रेटरी नहीं डालने दिया है, कहते कि नहीं तुम नहीं डालोगे, इसी में जुड़ के आ जाएगा, अब जैसे में आना हो ना। सरपंच को तो आप ही लोग जिताते हैं ना? हमें जिताते हैं तो अब वही तो हमको शिक्षा दिए। वोट लेना था तो आ जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब बाद में फिर जब जीत जाते हैं तो किसी को नहीं पहचानते हैं, ना कोई काम करते। चुनाव आ रहा है तो फिर से आएगी नेता आप लोग के पास? आएंगे, सब आएंगे नेता। मेरे घर पे तो पानी भी नहीं आ रहा सप्लाई वाला, बोल इटौरा बाईपास नहीं आता, पानी नहीं आ रहा, पाइप भर बिछी हुई है, पानी नहीं आता है, पानी के लिए हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, पानी नहीं आता। और दूसरे के घर से पानी हम लोग भरते हैं बोर में, देते भी ना होंगे, वो देते भी नहीं है, बोलते हैं कि क्या करें, मजबूरी है तो जाना पड़ता है। हमारे निराला नगर में, निराला नगर की नहीं, वहाँ दयालु नगर, इटौरा दयालु नगर बाईपास, वहाँ के हैं हम। कम से कि कम से कम पेंशन तो बढ़ा दे हम लोग के, ये लाडली बहना जिनके आदमी है तो उनको तो लाडली बहना दे दिए, अभी दवा में दिया क्या करे सर बताई, ना काम लागे ना दाम, रोज के आना रोज के जाना, दोनों 10-20 रुपया मना ले रहे, किराया अलग से लग जाता है, किराया अलग से ले जाते हैं, कम से कम 20 किलोमीटर से आते हैं और यहाँ कोई नहीं पूछता है। 40 रुपए तो रोज आना जाना किराया हो जाता है। कम से कम सरकार तो हमारा 1500 रुपया का ही दे, मोदी सरकार 1500 रुपया हमको, हम लोग को भी दे विधवा, कम से कम का ही दे। चुनाव है तो नेता लोग सब आएंगे आप लोग के पास, तो इस बार क्या मांग है आप लोग की? अरे मांग तो यही है कि हम लोग को भी दे सुविधा, करें घर बनवावे को दे दें, कम से कम महंगाई इतनी है तो मजदूरी लगे, कम से कम मजदूरी तो लगे, हम लोग मजदूरी करें, मतलब मजदूरी एक लिमिट में कर दे, कितनी नियुक्त कर दे मजदूरी कि आप लोग कितनी मजदूरी रहेगी, है ना? हाँ, लिफ्ट कह दें, हाँ हाँ कम से कम 12-13 हजार कह दें, तो हम लोग के कम से कम महीना के खर्चा तो चले,
इस बार क्या है, किसको आप लोग वोट और देने का प्लान किए? अब देखते हैं, अभी तो कोई मामा जी से कुछ है आप लोग की नहीं? मामा जी से तो पूरे सहमत है हम लोग, लेकिन मामा जी हमारे कुछ करेंगे तब, गरीबों के लिए कुछ करेंगे तब ना। कर तो रहे 1,000 दे रहे हैं, 250 दे रहे हैं, 3,000। घर का पैसा नहीं आया हमारा, राशन कार्ड भी नहीं बना हमारा, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे पति का तबीयत खराब है, यहाँ रोज आते हैं, रोज लटक जाते हैं। तो बच्चे आपके छोटे हैं, वो छोड़ के घर में अकेले चले जाते हैं? हाँ, छोटे छोटे घर के आदमी मर गए तो बताए कहाँ खाए, महिलाएं मेहरिया विधवा मेहरिया कहाँ खाए बताई। लड़के बच्चे हैं तो लड़कों बच्चों के काम नहीं लगता। ये बच्चा किसका है? वो बच्चा किसी और का होगा, हमारा। आप लोग छोटे छोटे बच्चे लेके भी चली आती हैं? हाँ आते हैं, बच्चे भी लेके आती हैं जिनके छोटे छोटे। कोई देखने वाला ना हो? कोई देखने वाले नहीं है, तो कम से कम ये तो हो जाए कि हम लोग कहने महीना माने कम से कम 12,000-13,000-15,000 मिला तो रेगुलर काम तो मिले, घर का खर्चा चलने लगे, घर के खर्चा तो चले। महंगाई भी तो है बहुत इतनी, तो महंगाई अब शासन है महंगाई कम करे, मजदूरी हम लोगों की पैसा कहीं काम लगे तो बता है तो बढ़ रहे हैं ना, जगह जमीन मिल रही है हम लोग को बसने टुकने के, न घर बनाने को मिल रहा, एक जन को दे दे, किसी को किसी के घर में 4-4 जन को मिलेगा, किसी के घर में 1 जन का नहीं मिलेगा, सरपंच सेक्रेटरी भगा देंगे, जाओ तुम्हारा नाम नहीं है, हाँ भगा देंगे, तो ये हाल का ही है। तो सेक्रेटरी सरपंच के तो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, अब कुछ नहीं, इनका राज लाइन शिकायत करे, अब हम लोग यही करेंगे, 181 को फोन लगा के इनके शिकायत करेंगे हम लोग। आप लोग सरकार से कुछ नहीं तो इस बार बदल भी सकती हैं? हाँ नहीं, बदलेंगे नहीं, नहीं। बीजेपी से हैं खुश आप लोग? हाँ बीजेपी गरीब सब नहीं ही, गरीब जो लोगों का कहा बात है, बीच के दलाल हैं ये सब मार देते हैं ऐसा? हाँ गरीब जो सब शिवराज मोदी का देख तैयार है, गरीब जो तो सब देख तैयार है, कहा मोदी का जिताव शिवराज की जितावे माने, जितने गरीब हाहाकार खुशहाली मनामा था गरीब लोग देख। चलिए ठीक है, यहाँ मैं चौरसिया धर्मकांटा में रीवा में खड़ा हूँ और यहाँ की महिलाओं की भी समस्या मैंने आप लोगों तक पहुँचाई, यहाँ पास पुरुष भी थे उनकी भी समस्याएं मैंने आप तक पहुँचाई, यहाँ पास युवा बहुत परेशान हैं, बहुत सारी समस्याएं, महिलाओं की भी समस्याएं हैं और यहाँ तक यहाँ के बुजुर्ग लोग भी यहाँ इस सरकार से पीड़ित हैं। रीवा स्टोरी मीडिया देखने के लिए धन्यवाद।